हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 का एग्जांपल 4, 5, 6 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जिस अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एग्जांपल 4। तो देखिए, इसमें हमको डायग्राम दिया हुआ है, इन फिगर 6.24। ये इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हैं, एंगल एम एक्स क्यू ये है 135 डिग्री, एंड एंगल MYR कितना है 40 डिग्री। तो हमें एंगल XMY निकालना है, ये एंगल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिएगा, वैसे मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, यही डायग्राम दिया हुआ था। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है M। अब हम इस M पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। तो हमें निकालना है ये पूरा एंगल XMY। अगर हमें ये मिल जाए और ये मिल जाए तो इन दोनों को जोड़ के हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, उसका यहां पर यूज है जबरदस्त तरीके से। तो देखिए, अगर मैं ये और ये देखूं तो जेड बन रहा है, ये लाइन ये वाली हो गई, ये लाइन ये वाली हो गई, और ये लाइन ये वाली हो गई। तो ये दे रखा है 40, तो 40 ये भी होगा नहीं होगा, इसका मतलब ये 40 हमको मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल MYR इक्वल टू एंगल YM, इसको हम B और A देते हैं इस लाइन को जो M से होके जा रही है, ये B हो गया। तो क्या लिखते हैं, एंगल YMB क्यों है जी बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल वाई एम बी की वैल्यू क्या हो गई, 40 डिग्री हो गई। देयरफोर एंगल वाई एम बी इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखिए, ये दो पार्ट मिलके ही एंगल एक्स एम वाई बना रहे थे, तो एक पार्ट तो हमको मिल चुका 40, बस ये और मिल जाए तो काम बन जाए। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं देखूं तो ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर जो होते हैं उनका सम 180 होता है, तो अगर मैं 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स एम बी नहीं पी एक्स एम एंगल पी एक्स एम प्लस एंगल एम एक्स क्यू एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ब्रैकेट में क्या देना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हमें क्या चाहिए, एंगल पी एक्स एम, तो एंगल पी एक्स एम इक्वल टू 180 माइनस एंगल एम एक्स क्यू, तो 180 माइनस 135 इक्वल टू 45, तो ये एंगल 45 आ गया। अब देखिए, ये वापस जेड बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये है 45, तो ये भी क्या हो गया 45। हमें पूरा एंगल चाहिए था, अगर मैं 45 और 40 को जोड़ दूं तो मुझे पूरा कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, एंगल एक्स एम
वाई इक्वल टू एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई इक्वल टू 45 एक्स एम बी कितना है 45 प्लस एंगल बी एम वाई कितना है 40 इज इक्वल टू 85। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5। देखिए एग्जांपल 5 क्या कहता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट, यदि एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को इस प्रकार काटे, इंटरसेक्ट मीन्स काटे, द सच दैट इस प्रकार काटे कि बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स आर पैरेलल, कि करस्पोंडिंग एंगल्स की जो बाइसेक्टर हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो प्रूव कीजिए कि वो दो लाइन जिसको ट्रांसवर्सल काट रहा है आपस में पैरेलल हैं। देखिए ये अपने पी क्यू और आर एस लाइन खींची, लेकिन ये पैरेलल हैं ये हमें प्रूव करना है, गिवन नहीं है। हमने एक ट्रांसवर्सल खींचा, तो ट्रांसवर्सल जब हम खींचेंगे तो एंगल ए बी क्यू बन रहा है और एक एंगल बी सी एस बन रहा है। तो बी ई जो रे है ये बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का, और जो सी जी रे है ये बाइसेक्टर है एंगल बी सी एस का। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ये आपको ड्रॉ करना है क्वेश्चन पढ़ के। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो लाइनें हैं पी क्यू आर एस, इनको इंटरसेक्ट करता हुआ एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। जब ट्रांसवर्सल जाएगा तो इस टाइप से दो एंगल बनेंगे, तो इन दोनों एंगल को एक बी ई और एक रे सी जी बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मीन्स इस पूरे एंगल को एक हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये पूरा 30 है तो ये 15-15 होगा। ठीक है, अगर ये भी 30 है तो ये भी 15-15 होगा, तो इसे बोलते हैं बाइसेक्टर, बाइसेक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये एंगल, मतलब मैं फिर से आता हूं पहले वाले केस पे, ये अगर ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, या फिर ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। ये क्वेश्चन कुछ उल्टा होगा, तो हमें ये दो एंगल, अगर हम इन दोनों एंगल को सेम प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, ये आप लिखेंगे, दिया है दो लाइन, गिवन टू लाइन्स पी क्यू एंड आर एस एंड ए ट्रांसवर्सल ए डी विच कट पी क्यू एट पॉइंट बी एंड आर एस एट पॉइंट सी, रे बी ई डिवाइड्स या बाइसेक्ट्स द एंगल ए बी क्यू एंड रे सी जी डिवाइड्स एंगल बी सी एस इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब शुरू करते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, गिवन रे बी ई, बी ई है ना, बी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए बी क्यू, देयरफोर एंगल ए, ये वाला एंगल क्या होगा, ए बी ई होगा, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ई बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। इसी तरीके से जो सी जी है वो एंगल बी सी एस का बाइसेक्टर है, सिमिलरली रे
सीजी, बाइसेप्स एंगल, BCS. Therefore, angle BCG equal to यही वैल्यू एंगल GCS की भी होगी. तो ये हो या ये हो, ये हाफ होगा किसका, इस पूरे एंगल का. पूरा एंगल कितना है? BCS. तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया. क्योंकि BE और CG आपस में पैरेलल हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. और AD भी एक ट्रांसवर्सल है, ये भी दिया हुआ है. तो एंगल ABE, जब ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे. बट BE इज पैरेलल टू CG, CG और BE आपस में पैरेलल है, एंड AD इज ए ट्रांसवर्सल. देयरफॉर एंगल ए बी ई, कौन सा एंगल है? ए बी ई, ए बी ई. तो ये एंगल है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल होगा एंगल बी सी जी. इसको हमने ये मान लिया थ्री. तो ये एंगल क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो लिख देंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, अब ए बी ई और बी सी जी की वैल्यू 102 से उठा के यहां पर रख देंगे. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ABE and angle BCG in equation third. तो चलिए बोलते हैं हाफ ऑफ एंगल ABE का कितना था? हाफ ऑफ एंगल ABQ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS. हाफ से हाफ कैंसिल, तो एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल बी सी एस आ गया. अब एंगल ए बी क्यू क्या है? ए बी क्यू ये पूरा है, और एंगल बी सी एस ये बी सी एस हो गया. तो इसका मतलब ये दोनों बराबर निकल के आए हैं. ठीक है ना, एबव एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स किससे बने हैं? फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल AD विद, किससे बना रहा है ट्रांसवर्सल एंगल? विद PQ एंड RS. तो इसलिए क्या हो गया? PQ आप PQ और RS आपस में क्या होंगे? पैरेलल. तो ये सिंबल है पैरेलल लाइन का. अब मैं जरा इनकी हिंदी बोल देता हूँ. जो रे है,
किरण बीई है वो एंगल ए बी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है, ये आप बुक से भी देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि दोनों ही मीडियम के बच्चे इसको समझ सकें, ठीक है। चलिए अब आते हैं एग्जांपल सिक्स पे। एग्जाम्पल सिक्स ये दे रखा है, ए बी और सी डी, ए बी सी डी आपस में पैरेलल हैं, सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल हैं, ई ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ये जो ए ई है ये परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, क्यों, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल बी ई एफ कहाँ है जी, बी एफ, बी ई एफ ये है 55 डिग्री, हमें X, Y और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए आगे इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो देखिए ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ये बाइसेक्टर है बी ई, सॉरी ट्रांसवर्सल है, जो तीनों लाइनों को टच कट करता हुआ जा रहा है, ए यहाँ बी पे, यहाँ डी पे और यहाँ ई पे, ठीक है। एंगल हमें बी ई एफ दे रखा है 55 डिग्री और हमें एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये जो आप नीली लाइन देख रहे हो ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, मतलब पार्ट नहीं है, एक एक क्वेश्चन सिंपल हो जाए तो मैंने इस ए ई को आगे तक एक्सटेंड कर दिया है और बी ई को ऊपर तक बढ़ा दिया है। तो देखिए अगर मैं ये देखूँ तो 90 डिग्री बैठ रहा है, तो ये प्लस ये 90 डिग्री होगा, अगर मैं 90 में से 55 घटा दूं तो मुझे Z की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है। चलिए तो एंगल CEF इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, तो CEF को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, CED एंगल सी एंगल सीईडी प्लस एंगल डीईएफ तो एंगल सीईडी कितना है जेड और डीईएफ कितना है 55 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस 55 इक्वल टू 10 में से 5 गए 5, 8 बचा 3, 35। इतना समझ में आया कि Z कैसे निकला। अब देखिए ये वाला Z और ये वाला Z, अगर ये Z है तो ये भी Z होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अब क्या हो सकता है, अगर मुझे ये एंगल मिल जाए और इन दोनों को जोड़ दूं तो जो वैल्यू इन दोनों को जोड़ के आएगी वही वैल्यू इसकी होगी, वही वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू भी सेम होगी अगर वाई मिल जाए हमको, और वाई कब मिलेगा, अगर मुझे ये पार्ट मिल जाए, इस पार्ट को मैं 55 से जोड़ दूंगा तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल सेम होगा। तो देखिए मिल गया जेड, जेड तो जेड की वैल्यू कितनी है, 35 हो गया 35, ये पूरा है 90 तो हो गया 90, और 90 प्लस 35 कितना होगा, 125, तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई, 125, और ये वैल्यू भी कितनी हो गई, 125। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल इसको मैं कोई नाम देना पड़ेगा, इसको मैं एफ जी दे देता हूँ, इसको मैं एच दे देता हूँ, एंगल एच ई एफ इक्वल टू क्या, अब ये जो एच ई एफ है ये एच ई
जी और जी ई एफ इन दोनों से मिलके बना है एंगल एच ई जी प्लस एंगल जी ई एफ। तो एच ई जी की वैल्यू कितनी है 35 प्लस और जी ई एफ कितना है 90 डिग्री, दोनों को ऐड किया तो आया 125 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि दो ये ए बी सी डी और ई एफ या ई डी और सी एफ आर पैरेलल टू इच अदर, चूंकि सिंस सी डी इज पैरेलल टू ई एफ देयरफोर एंगल एच ई एफ इक्वल टू वाई, क्यों प्रॉपर्टी से करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, तो देयरफोर एंगल वाई इज इक्वल टू 125। ऑल्सो अब चूंकि एक बार और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी देयरफोर y इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 125 डिग्री। इस तरीके से हमने x y और z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 का एक फर्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। टिल देन गुड बाय।